Hey guys, what's up? So, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारी लव डक की कम्युनिटी पूरे 1,00,000 लोगों की फैमिली बन चुकी है। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। बस आप लोग इसी तरह लव एंड सपोर्ट करते रहो, बहुत जल्द हमारी डार्क स्किन लड़कों की आर्मी 1,000,000 भी हिट करेगी। और एक चीज, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जब इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं अपना फेस रिवील करूंगा, तो उस वादा को पूरा करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फेस रिवील करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि फेस रिवील करने के साथ साथ मैं उस वीडियो में Q&A भी करूं, ताकि आप लोग मुझे और अच्छे से जान सको। इसलिए इस वीडियो के कमेंट में आपको मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वो कमेंट कर दो, मैं उन सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सनग्लास एक ऐसी चीज है जो आपको स्टाइलिश दिखाने के साथ साथ आपके आंखों के नीचे धूप की हार्मफुल यूवी रेस से होने वाले डार्क सर्कल से भी चाहती है। इसीलिए हर एक लड़के को सनग्लास पहनना चाहिए। बट मार्केट में सनग्लास भी आजकल बहुत टाइप्स के मिलने लगे हैं। तो क्या आपको वो सारे सनग्लासेस खरीदना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डार्क स्किन या सांवले लड़कों पर सिर्फ दो ही सनग्लास अच्छे लगते हैं। इसीलिए आज मैं आपको वो दो टाइप के सनग्लास बताऊंगा जो हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों पर अच्छी भी लगती है और हर आउटफिट के साथ मैच भी करती है। उससे पहले, अगर आप लव डार्क की ये पहली वीडियो देख रहे हो, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं एक डार्क स्किन लड़का हूं और मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो भाई डार्क स्किन या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो पहला सनग्लास जो हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए वो है एक ब्लैक फ्रेम सनग्लास, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। ये सनग्लास हमारे ऊपर अच्छा तो लगता ही है, साथ ही साथ आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि ब्लैक कलर बहुत वर्सेटाइल होता है हमारे तरह। ब्लैक कलर हर कलर के कपड़ों के साथ अच्छा लगता है। और भले ही मार्केट में बहुत तरह तरह के सनग्लासेस मिलने लगे हैं, बट एक नॉर्मल ब्लैक सनग्लास कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सनग्लास सालों तक ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि ये सनग्लास एसेंशियल है। और एक चीज आप ध्यान रखना कि ये सनग्लास बहुत सारे कलर्स में आते हैं, जैसे ब्राउन, ब्लू, येलो, बट इनमें से आपको कोई सा भी सनग्लास नहीं लेना है, आप सिर्फ ब्लैक फ्रेम सनग्लास ही लेना, क्योंकि ये सब कलर के सनग्लासेस हमारे ऊपर एकदम अच्छे नहीं लगते। सो अब दूसरा सनग्लास बताने से पहले मैं आपको सनग्लास के दो रूल्स बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लड़के सनग्लास पहन के अट्रैक्टिव और स्मार्ट लगते हैं और कुछ लड़के सनग्लास पहन के चोमू लगते हैं। इसीलिए अगर आप सनग्लास पहन के अट्रैक्टिव और स्मार्ट लगना चाहते हो तो आपको सनग्लास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सनग्लास का पहला रूल ये है कि सनग्लास हमेशा अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए, क्योंकि हर कोई का फेस शेप अलग अलग होता है और हर फेस शेप के ऊपर अलग अलग सनग्लास अच्छा लगता है। और कुछ लड़के सनग्लास पहन के चोमू इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग सनग्लास नहीं पहनते हैं। जो सनग्लास उन्हें अच्छा लगता है, जो सनग्लास ट्रेंड में रहता है, वो उसे पहन लेते हैं बिना सोचे समझे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप हमेशा अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही सनग्लास पहनना, क्योंकि देखो जो पहला ब्लैक फ्रेम सनग्लास मैंने आपको बताया है वो दो शेप के मिलते हैं, पहला स्क्वायर शेप और दूसरा राउंड शेप। तो आपके ऊपर कौन सा शेप का सनग्लास अच्छा लगेगा वो जानने के लिए पहले आपको अपना फेस शेप जानना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि फेस शेप जनरली चार तरह के होते हैं, राउंड, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, बट फिर भी कुछ लड़के ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि इन चारों में उनका फेस शेप किस टाइप का है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने फेस शेप को मिनटों में पता कर सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो के बाद अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपने फेस का एक सेल्फी लेना, इस भाई साहब की तरह, ना ही हाथ को ऊपर करना और ना ही हाथ को नीचे करना, अपने हाथ को एकदम अपने फेस के सामने स्ट्रेट कर अपने फेस का एक सेल्फी लेना। फिर हर कोई के मोबाइल में फोटो एडिट करने का ऑप्शन रहता है, तो आपने जो अपने फेस की सेल्फी ली है उसे आप एडिट करना कुछ इस तरह से। पहले आप एडिट पे क्लिक करना, फिर आपको डूडल बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना, फिर एक एक करके सारे शेप को अपने फेस पर ड्रॉ करना, जैसे मैं इस भाई साहब के साथ करने वाला हूँ। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं राउंड फेस शेप को। तो क्या इसका फेस शेप राउंड है? नहीं। अब ड्रॉ करते हैं स्क्वायर फेस शेप को। तो क्या इसका फेस शेप स्क्वायर है? नहीं। अब करते हैं ट्रायंगल शेप को। तो इसका फेस शेप ट्रायंगल भी नहीं है। तो अब फाइनली ट्राई करते हैं ओवल शेप को। तो क्या इसका फेस शेप ओवल है?
Yes. तो इस भाई साहब का फेस शेप ओवल है, तो आप भी इसी तरह अपने फेस शेप को पता कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा शेप का सनग्लास पहनना चाहिए। तो अगर आपका फेस शेप राउंड या स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर शेप का सनग्लास पहनना चाहिए, क्योंकि राउंड और स्क्वायर फेस शेप में ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो स्क्वायर सनग्लास पहनने से ये फेस में स्ट्रक्चर ऐड करता है। इसी तरह अगर आपका फेस शेप ओवल या ट्रायंगल है तो आपको राउंड शेप का सनग्लास पहनना चाहिए, क्योंकि ओवल और ट्रायंगल फेस शेप में ऑलरेडी बहुत स्ट्रक्चर रहता है, और स्क्वायर सनग्लास पहनने से ये आपके फेस में हद से ज्यादा स्ट्रक्चर ऐड करेगी, जो दिखने में एकदम बेकार लगता है। इसीलिए ओवल और ट्रायंगल फेस शेप वालों, आप राउंड शेप वाला सनग्लास पहनना, ताकि आपका फेस बैलेंस में रहे। सो सनग्लास को पहनने का दूसरा और फाइनल रूल ये है कि कभी भी सनग्लास इंडोर में नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लड़कों को मैं देखता हूँ कि वो मॉल के अंदर, कॉलेज के अंदर, पार्टी के अंदर सनग्लास पहने हुए रहते हैं, और इन्हीं हरकत की वजह से कुछ लड़के सनग्लास पहन के चोमू लगते हैं। क्योंकि देखो, सनग्लास के नाम में ही सन लिखा हुआ है, मतलब सनग्लास को आपको तभी पहनना है जब आप धूप में हो या बाहर में हो, बट जब भी आप चार दीवारी के अंदर रहोगे तो सनग्लास कभी मत पहनना, ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है। सो अब फाइनली वो दूसरा सनग्लास जो हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए, वो है ग्रे कलर का मरकरी सनग्लास, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो। मरकरी सनग्लास डार्क स्किन लड़कों में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि मरकरी सनग्लास में जो शाइन होता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, वो बहुत ही क्लासी लगता है डार्क स्किन पर। पर एक चीज का आप ध्यान रखना कि मरकरी सनग्लास बहुत सारे कलर्स में आते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, पर आप सिर्फ ग्रे कलर का ही मरकरी सनग्लास लेना, क्योंकि ये कलर को छोड़कर और कोई भी कलर के मरकरी सनग्लास हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। ये थे वो दो सनग्लासेस जो हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए टू लुक गुड। और इन दोनों सनग्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। और हाँ, आपको मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट करना मत भूलना। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सांवले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।